अगर आपको भी है खाना खाते वक्त मोबाइल या टीवी देखने की लत, तो आपको बता दें कि ये आदत कई सारी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। इस आदत से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट और डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने के दौरान क्या आप भी टीवी या मोबाइल पर अपना कुछ मनपसंद सीरियल या मूवी लगा लेते हैं और फिर आराम से घंटों बैठकर खाने का आनंद लेते हैं? तो ऐसा करके आप खुद को मल्टीटास्कर ना समझे, एक साथ दो काम निपटा लिए। आपकी आदत कई सारी समस्याओं को दे सकती है दावत। बड़ों की देखा देखी अब बच्चे भी ऐसा करने लगे हैं। खाते समय टीवी या मोबाइल ना चलने पर वो जिद करने लगते हैं और फिर अंत में पेरेंट्स को थक हार कर उनकी बात माननी ही पड़ती है। कभी कभार ऐसा चल जाता है, लेकिन अगर आपका मील बिना टीवी मोबाइल के पूरा नहीं होता है तो जान ले कि इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। ये दावा हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन एंड हेल्थ की रिपोर्ट्स में किया गया है, जिसके अनुसार टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाने पर आपका ध्यान बढ़ जाता है, जिसके चलते आप कई सारी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। ओवर ईटिंग मोटापे की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा और किन बीमारियों की वजह बन सकती है यह आदत, आइए जान लेते हैं इस बारे में। मोटापा। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल देखने की वजह से फोकस खाने पर कम रहता है, जिस वजह से लोग भूख से ज्यादा खा लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि ओवर ईटिंग से मोटापा बढ़ता है। मोटापे बढ़ने से कई सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। पाचन से जुड़ी समस्याएं। टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाने से पाचन से जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है। सही तरीके से खाने को ना चबाने की वजह से भोजन सही तरीके से पचा नहीं पाता, जिसके चलते कब्ज, पेट में दर्द, अपच से लेकर दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। डायबिटीज। डायबिटीज एक बेहद खतरनाक और लाइलाज बीमारियों में से एक है, जिसका खतरा खाते वक्त टीवी या मोबाइल देखने से कई गुना बढ़ जाता है। इस आदत से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाना सही प्रोसेस नहीं हो पाता और वजन बढ़ने लगता है, जो डायबिटीज का खतरा बढ़ा देता है। इसीलिए अगली बार जरूर ध्यान रखें और खाना खाते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें। आगे की और हेल्थ टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।